तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ उठाते रहें। तो सर इंडिया की 100 मुखालिफत करें आप, मैं भी करती हूँ डेफिनेटली। जब इंडिया हमारे बारे में इतनी बातें करेगा, कश्मीर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीरियों की अपनी आवाज ये है। इंडिया कभी भी टेबल टॉक पे नहीं आता क्योंकि इंडिया कतराता है टेबल टॉक करने से। फिर टेबल टॉक से मामला जिन लोगों ने हल करवाने, जो कि सुपर पावर्स कहलाती हैं, वो लोग भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं किसी हद तक। नहीं देखिए, अब इसमें जो अहम बात, इंडिया की एक अच्छी बात करने जा रही थी सर, मोदी की जो गवर्नमेंट है, ये मेरा अपना तज्जिया है नाजरीन, तज्जिया वो होता है जो अपने अपनी आंखों से देखे। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, जैसा कि मेरे तमाम व्यूवर्स तमाम फॉलोअर्स जानते हैं, और वहां पर मेरे इंडियन फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं, वो काम को देखते हैं, फॉलो करते हैं। उनकी मैंने एक चीज देखी है, हम अपने वजीर आजम को बुरा कहते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में, इंडिया के भी मामला हमारे जैसे ही है, हमसे कुछ बहुत अच्छा मुल्क वो नहीं है, वो कोई यूरोप नहीं है, वो कोई अमेरिका नहीं है, बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश कंट्री नहीं है, वो अपने वजीर आजम की तारीफ करते हैं इस बात पे कि हमारे वजीर आजम ने इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा बेहतर किया। आगे जाके इकोनॉमी और बेहतर होगी, तो मोदी की गवर्नमेंट की बुरी चीजें अपनी जगह, डेफिनेटली मुसलमानों के साथ बड़ा तजाद रखता है, मैं तो उसको गुजरात का कसाब कहती हूँ, वजीर आजम नहीं कहती इंडिया का, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा अच्छा साबित हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और हमारों ने क्या किया, जो इनके अपने समधी हैं, जो वजारत समधी अमूरी संभालते रह गए, आज तक वजीरे खजाना बने, खजाना पे बुराजमान रहे, ऐसे नाग की तरह बुराजमान रहे, सर नाग खजाने पे बुराजमान है कि खजाने को लूट के खाली कर दिया, और बाद में उनसे पूछे तो कहते पाकिस्तान की इकोनॉमी नंबर वन, नंबर टू दी बेस्ट, तीसरे नंबर पे तो सर वो आते नहीं, वन और टू से नीचे बात नहीं करते। अच्छा देखिए, न सिर्फ ये कि वहाँ की इकोनॉमी को बेहतर किया, दूसरा जो अहम एरिया जिसमें मोदी ने एक्सपर्टीज दिखाई, स्किल दिखाई और एक्सेल किया, वो है उसका इंटरनेशनल रिलेशन। नो डाउट इन इट। मैं आपको बताऊं कि उसने अपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ और कंट्रीज के साथ, और रशिया के साथ भी अगर उसने बहुत आगे एडवांस नहीं किया तो उसके साथ कोई बुरा रिलेशनशिप में कोई बुराई भी नहीं। सर डॉक्टर साहब से आपका रिलेशनशिप बुरा हो जाएगा अगर मैं उनकी तरफ ना गई, चले जाऊं आपकी इजाजत से, प्लीज फिर आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब आप भी इस बारे में कुछ तजिया दीजिएगा कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन जो वजीर आजम है मोदी साहब, हमें 100 इख्तलाफात हों लेकिन अपने मुल्क के लिए तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं ना वो, हमारों ने क्या किया, हम तो इतने मकरूज हो गए, इतने मकरूज हो गए कि मुझे लगता है कि आगे जाके इमरान खान जब लोग कर्जों की बात करते हैं, कर्जे उनको भी लेने पड़ेंगे, कर्जों के गुजारे नहीं होगा अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो। देखिए फिजा, जो इंडिया की पॉलिसीज हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान दुश्मनी से शुरू होती हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये दोनों स्टेट्स जो हैं इस वक्त सिक्योरिटी स्टेट की स्थिति है पूरी दुनिया के लिए, दोनों एटॉमिक पावर हैं। अब जहां तक रह गई इकोनॉमी की बात, तो इंडिया जो है उसमें खतरे गुरबत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की बहुत बड़ी तादाद सर, नो डाउट उनके टॉयलेट्स के मोदी या उससे पहले जितने भी भारतीय हुक्मरान रहे हैं उन सब की एक पॉलिसी रही है कि हर हुक्मरान जो है वो अपने सफारतकार को मजबूर करता था पूरी दुनिया के ममालिक में कि तुम भारतीय अशिया को फरोख्त करो। ये भारतीय एक समझ लें कि उनकी तारीफ कह लें या उनकी एक सलाहियत, बिल्कुल ये एक भारतीय सलाहियत है कि वो अपनी मेड इन इंडिया को जो है वो सेल करते हैं। बदकिस्मती की बात है कि जो पाकिस्तान में जो लोग हुक्मराना बिलखसूस जो सियासी लोग थे उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी है। आप देखें इसको भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया, आपका जो ट्रेड अटैची होता है वो कौन होता है, वो या फौज से होता है कोई बंदा या वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से होता है, हालांकि उसका ताल्लुक ही ट्रेड से नहीं है। ऐड करना चाहूंगी वर्ड आपकी इजाजत से, वो जितना बड़ा मालशिया होता है, जितनी आपकी मालिश करता है, ज़ैन कादरी ने वर्ड यूज किया था ना यहाँ पे, आगे जाने के लिए मालिश करना बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा पॉलिश करता है, जितनी ज्यादा मालिश करता है वो उतना ज्यादा बड़े ओहदे पर होता है। और मियां साहब पर देखिए 56 कंपनी सर आपके सामने ही है, ये एक तकनीकी मसला है, 14-14 लाख सैलरीज ले रहे हैं सर, यहाँ लोगों के घरों में 50,000 सैलरी नहीं ले रहे, पढ़े लिखे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं, लाख रुपए सैलरी नहीं है, यही तो करप्शन है। और मुझे अफसोस ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ साहब से जब ये सवाल किया गया कि आपने ये 14 लाख तनख्वाह क्यों मुकरर की, तो वो ये साफ मुकरर गए कि मैंने नहीं की, हालांकि आप यकीन करें कि ये मुमकिन ही नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने दौरे वजारत आला में, कभी पॉसिबल नहीं था कि उनके बगैर कोई कदम उठाया जाए। आगे बढ़ाता हूं, किसी तीसरी चीज की जाए तो वो इंडस्ट्री होती है जो हमारी मईशत को चलाती है, हमारी इकोनॉमी को बेहतर करती है। मोदी साहब की बुरी बातें एक तरफ, लेकिन मोदी साहब लोगों को क्यों अच्छे लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इकोनॉमी को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। इंडिया की इंटरनेशनली अगर इज्जत है तो क्यों इज्जत है, सिर्फ इसलिए कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी पर बड़ा काम किया, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बड़ा काम किया, तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर किए उन लोगों ने। डैम्स की बात करते हैं।